स्टडी आई क्यू आई एस है उदिशा और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी स्पोकन इंग्लिश सीरीज टू थ्री थर्टी पी एम पर सी इसके पहले ये क्लास चार बजे होती थी बट जनरली वो मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी में खत्म करनी पड़ती थी बिकॉज उसके बाद मेरे बैक टू बैक क्लासेस होते थे तो अभी हमने इसको प्रॉपर एक एटलीस्ट हम इसको ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मिनट्स दे पाए इस था के साथ इस क्लास को हमने थ्री थर्टी पर एवरी डे मंडे टू फ्राइडे वे गोइ टू शेड्यूल इट ठीक है अब आज का जो हमारा टॉपिक है मैंने सैटरडे को आपके साथ एक प्लान शेयर uh, किया था यूट्यूब पर ही इसी चैनल पर तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा और आज के जो कैटेगरी ऑफ फ्रेजेज एंड सेंटेंसेज हम सीखने वाले हैं वो बिलोंग करेंगे इम्पेरेटिव कैटेगरी को इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं वो वाक्य वो वाक्यांश जिनका इस्तेमाल हम करते हैं किसी को आदेश देने के लिए किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देकर निर्देश देकर समझाने के लिए तो हम आज ऐसे ही कुछ कॉमनली यूज सेंटेंसेज और फ्रेजेस को सीखने वाले हैं एक बात ये जरूर है कि जो भी मेरे दोस्त YouTube के माध्यम से अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं दो चीजें बहुत जरूरी हैं एक तो जब भी आप मेरे साथ यहां पर कोई सेंटेंस सीख रहे हैं उसे उसी वक्त बोलिए बोल करके देखिए कि आप उसे सफाई से क्लैरिटी के साथ प्रनाउंस कर पा रहे हैं बोल पा रहे हैं टोन को समझ पा रहे हैं या नहीं नंबर टू गाइस कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है रेगुलर बेसिस पर आपको क्लास में आना पड़ेगा एंड आई थिंक उसके बाद ही आपको इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छा एक काम कर दीजिए फटाफट से जरा सेशन को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोशिश करिएगा कि अपने आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहें सो वी हैव द फर्स्ट वन आप अपना काम करिए देखो जनरली इंपेरेटिव जो होते हैं वो एक स्ट्रिक्ट टोन uh, के साथ आते हैं चाहे वो आदेश देना हो चाहे वो किसी को पलट के जवाब देना हो किसी को इंस्ट्रक्शन देना हो तीनों ही चीजें एक स्ट्रिक्ट टोन फॉलो करती हैं तो कई बार नाराजगी में जब कोई हमें बहुत ज्यादा ज्ञान दे रहा होता है तो हम उसे कहते हैं भाई सुनो तुम अपना काम करो है ना ये क्या हुआ हमने उस सामने वाले को इंस्ट्रक्शन दिया है अब इसी चीज को अंग्रेजी में आप कैसे कहेंगे डू योर वर्क सिंपल है बिल्कुल अपना काम करिए है, है ना तो कैसे कहना है आपको जस्ट डू योर वर्क थोड़ा सा इंफिस ऑन द राइट वर्ड ठीक है कि अपना काम करो हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है सो डू योर वर्क एज सिंपल एज दैट नेक्स्ट देखते हैं उसे स्टेशन तक छोड़ आओ किसी को छोड़ के आना है घर वाले जनरली हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं गेट तक छोड़ के आ जाओ गाड़ी तक छोड़ के आ जाओ स्टेशन तक छोड़ के आ जाओ तो ये जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं इनको अब आप एक तरह से बोल सकते हैं ड्रॉप हिम ऑफ एट द स्टेशन छोड़ करके आना किसी को किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचाना हम कैसे कहते हैं ड्रॉप हिम ऑफ एट द स्टेशन ये आप बोलना शुरू कर सकते हैं किसी को गेट तक छोड़ के आ जाओ ड्रॉप हिम ऑफ एट द गेट राइट किसी को गाड़ी तक छोड़ के आ जाओ ड्रॉप हिम ऑफ टू द कार तो गाड़ी तक छोड़ के आ जाओ हो गया तो एक हल्का फुल्का बदलाव के साथ आप अपने वाक्य को बना पा रहे हैं नेक्स्ट देखते हैं सच कहना झूठ मत बोलना है ना कई बार जब हमसे सवाल जवाब हो रहा होता है कोई प्रकार के इंटेरोगेशन हो रही है तो उसमें पूछा जाता है हमसे हमें ये समझाया जाता है कि सच बोलना झूठ मत बोलना तो सच बोलना के लिए आपकी अंग्रेजी हो जाती है स्पीक द ट्रूथ डोंट लाई यानी कि झूठ मत बोलना सो स्पीक द ट्रूथ एंड डोंट लाई ये दोनों बातें यहां पर एक वाक्य से हमने कवर कर ली हैं नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट होता है जबी भी आ, हम सामने वाले को बोल रहे थे ये शर्ट पहन के देख लो ये कोट पहन के देख लो फिटिंग चेक कर लो या वो फंक्शन में जाना है तुम ये वाला आउटफिट पहन के देख लो तो पहन लो के लिए सबसे पहले आपको कैसे कहना है ट्राई दिस कोट ऑन यानी पहन करके देखो है ना बस बेवजह ये नहीं बोलना है कि भाई वेयर दिस कोट वेयर कर लेने का तो मतलब ही हो जाता है कि पहने रहो है ना पहन लो लेकिन चेक करो कि इसकी फिटिंग अच्छी है तुम्हारे ऊपर कैसा दिख रहा है सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो उस जगह पर हमें कहना चाहिए ट्राई दिस कोट ऑन ऑन वर्ड बड़ा जरूरी रहेगा Next, दिल लगाकर या मन लगाकर के काम करो पढ़ाई करो इस तरह से हम बोलते हैं जब भी आपको यह कहना है कि मन लगाकर काम करो या दिल लगाकर काम करो आपको अंग्रेजी में वर्ड यूज करना होता है होल हार्टेडली कैसे कहेंगे आप वर्क होल हार्टेडली ठीक है वर्क होल हार्टेडली मन लगाकर पूरी श्रद्धा के साथ ईमानदारी से ध्यान से एक ये फ्रेज यूज कर लो सामने वाला तुम्हारी भावनाएं समझ जाएगा स्टडी होल हार्टेडली वर्क होल हार्टेडली ट्रैवल होल हार्टेडली लिव योर लाइफ होल हार्टेडली मन लगा करके दिल लगा करके कोई भी काम करने के लिए हमारा फ्रेज है होल हार्टेडली तो ये फ्रेज जरूरी है इसको जरूर लिख लीजिए मेरे लिए एक गिलास ताजा 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 पानी ले आओ जब भी हम किसी के घर जाते हैं जनरली सामने वाले को हम ये समझाते हैं कहते हैं कि हमें किस तरीके का पानी चाहिए ठंडा गरम एट्सेट्रा तो उस केस में आप इस फ्रेज को अब यूज कर सकते हैं अब देखो दो बातों का ध्यान रखना कोई तुमसे बड़ा है कोई तुमसे छोटा है सिचुएशन फॉर्मल है सिचुएशन इनफॉर्मल है कैसे बोलोगे आप उस बात को अगर कोई छोटा है जैसे छोटा बच्चा होता तो है यार भाग के पानी ले आओ गिलास है ना भाग के पानी ले आओ ये क्या है कैजुअल है तो कोई छोटा है तो फेच में अ ग्लास ऑफ वाटर हमने क्या वर्ड यूज किया है फेच फैच मी अ ग्लास ऑफ वाटर लेकिन अगर कोई हमसे उम्र में बड़ा है या हम किसी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम दो तरीके से बोल सकते हैं गेट मी अ ग्लास ऑफ वॉटर प्लीज प्लीज वर्ड लगा देने से फॉर्मल भी हो जाएगा पोलाइट भी हो जाएगा गेट मी अ ग्लास ऑफ वॉटर प्लीज या फिर कुड का यूज कर सकते हैं कुड यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वॉटर कुड यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वॉटर आपके लिए यहाँ पर पोलाइट स्टेटमेंट है कुड यू गेट मी ग्लास ऑफ वॉटर क्या आप मेरे लिए एक ग्लास पानी ले आ सकते हैं कुड so, का इस्तेमाल जो है काफी अमेजिंग होता है नाउ जरा नरमी से बात करो या विनम्रता से बात करो कैजुअली हम लोगों ने ज्यादातर सुना है तमीज से बात करो है ना अगर हम सामने वाले को ये कह रहे होते हैं कि भाई ठीक से बात करो आराम से बात करो हम उनको समझा रहे हैं वे गिविंग दैट पर्सन एंड इंस्ट्रक्शन कि तमीज से बात करो नरमी से बात करो विनम्रता से बात करो ये सारी जगहों पर आपको बस ये फ्रेज चला देना है टॉक पोलाइटली या फिर बी पोलाइट टॉक पोलाइटली या फिर बी पोलाइट ये आपके सामने आ गया भाई आप सामने वाले को यही तो कह रहे हो ना तमीज में रहो विनम्र रहो कायदे में रहो तो ये जो तुम्हारे फ्रेजेज हैं टॉक पोलाइटली और बी पोलाइट सामने वाले को समझा देंगे कि आप कहना क्या चाह रहे हो Moving on, इस चिट्ठी का जवाब वापसी डाक से दे दो अब आपको यह समझना है गाइज कि कई बार होता है हमारे सामने ऐसा कि कोई मेल आया है अब देखो चिट्ठी और डाक का वक्त तो रह नहीं गया है है ना नो बडी इज एक्चुअली सेंडिंग हैंड रिटन लेटर्स हाथ से लिख के चिट्ठी भेजने वाले लोग बड़े पुराने हो गए अब तो अभी क्या ध्यान देना है अगर हमें मेल का जवाब देना है या हमें किसी के मैसेज को रिप्लाई करना है है ना तो जनरली मम्मी आपा यही कहते हैं कि यार ये मैसेज आया है तुम रिप्लाई कर दो इसका है ना या ये मेल आया इसका रिप्लाई कर दो ऑफिस में हो जाता है कि क्लाइंट का मेल आया है उस पर रिवर्ट कर दो जवाब दे दो तो आपका जो अंग्रेजी का फ्रेज यहां पर काम आएगा रिप्लाई टू दिस मेल रिप्लाई टू दिस मैसेज पहले तो ये वाला पार्ट आप देख लीजिए और मान लीजिए कि आपको कहीं पर पोस्ट से कुछ भेजना है तो आप कहेंगे रिप्लाई टू दिस लेटर बाय रिटर्न पोस्ट जो वापसी को पोस्ट जाएगा रिटर्न पोस्ट यानी समझ में आ जाता है कि आपने जो सवाल पूछा था बात कही थी उसका जवाब आया है तो दैट्स कॉल्ड अ रिटर्न पोस्ट ठीक है नेक्स्ट आपको देखना है यहां पर हिसाब जांच लो या हिसाब की जांच कर लो ठीक है ये ऐसे लिख लो चलो हिसाब जांच लो अब आप ऑफिस जाते हो आप कंपनी चलाते हो आप अपने घर का खर्चा मेंटेन करते हो तो जनरली ये डिस्कशन होता है कि यार एक बार हिसाब चेक कर लेना तुमने क्या क्या जोड़गाठ की है वो जरा चेक कर लो तो सीधा फ्रेज हो जाएगा चेक अकाउंट्स चेक अकाउंट्स नेक्स्ट फ्रेज दैट वी हैव इज गर्म चाय को धीरे धीरे पियो या पीना किसी भी ड्रिंक को जब आप धीरे धीरे पीते हैं तो उसका एक वर्ड होता है टू सिप ठीक है और अगर आप किसी को बहुत बहुत तेजी से किसी ड्रिंक को पी लेते हैं पूरा ग्लास आपने एक बार में गटक लिया तो कहते हैं टू गल्प डाउन राइट लेकिन यहां पर धीरे पीने की बात हो रही है तो जस्ट सिप हॉट टी है ना अभी एक बार में नहीं पियो जस्ट सिप द हॉट टी यानी कि घूट घूट में पियो एक बार में मत पीना जल जाओगे द नेक्स्ट फ्रेज दी है यहां गाड़ी खड़ी करना मना है देखो जब भी कोई चीज बाय द लॉ मना होती है उस पर रुकावट लगी है उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है बाय द लॉ कानूनी तौर पर वो अलाउड नहीं है तो उसके लिए एक वर्ड होता है हमारे पास प्रोहिबिटेड राइट right? तो आप ऐसी बातों को कह सकते हैं जैसे हमारा एग्जाम्पल है पार्किंग यहां पर पार्किंग मना है अंग्रेजी में हम कहते हैं पार्किंग इज प्रोहिबिटेड हियर पार्किंग इज प्रोहिबिटेड हियर कई जगहों पर लिखा होता है यहां थूकना मना है स्पिटिंग इज प्रोहिबिटेड हियर यहां पर हॉर्न बजाना मना है हॉर्न बजाने की अंग्रेजी हो जाती है हॉकिकिंग हॉकिकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर तो इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़े बहुत बदलाव की मदद से बना सकते हैं नेक्स्ट देखते हैं बाएं हाथ पर चलो या दाएं हाथ पर चलो ठीक है जनरली क्या कहा जाता है सड़क पे अपने बाई तरफ चलना चाहिए सो so, बाएं हाथ को चलो अंग्रेजी में ये फ्रेज हो जाता है कीप टू द लेफ्ट दाएं पर चलो कीप टू द राइट बाएं में रहो कीप टू द लेफ्ट दाएं में रहो कीप टू द लेफ्ट बात सेम ही है क्योंकि सो कीप टू द लेफ्ट या कीप टू द राइट यानी एक डायरेक्शन में आपको चिपक के एक साइड में आपको चिपक के जाना है नेक्स्ट देखते हैं मुझे सुबह उठा देना द मोस्ट कॉमन नहीं ड्रिंक टी विद सिप इज इन करेक्ट इंग्लिश प्लीज वो मत बोलिएगा जो बताया है वही बोलिए ओके okay, मुझे सुबह उठा देना जनरली हमारी रिक्वेस्ट हमारी मदर्स से होती है कि हमें सुबह उठा दीजिएगा एक पर्टिकुलर टाइम पर हमें उठा दीजिएगा तो आप अंग्रेजी में कैसे कहते हैं वेक मी अप इन द मॉर्निंग वेक मी अप एट ए एम वेक मी एट फाइव ए एम वेक मी अप एट ए एम ये जो भी आपके सेंटेंसेस हैं आप इस फ्रेज के साथ बना सकते हैं वेक मी अप ए एम फाइव ए एम फोर ए एम अगर सुबह उठाना है तो वेक मी अप इन द मॉर्निंग वेकमी अप एट नाइट शाम को उठाना है सॉरी uh, रात को उठाना है और अगर शाम को उठाना है तो फिर से वेकमी अप इन दिनिंग मॉर्निंग और इवनिंग के साथ इन लग रहा है लेकिन नाइट के साथ एट लग रहा है और कोई भी स्पेसिफिक टाइम होगा पांच बजे चार बजे छ बजे तो वहां पर भी हम एट लगाएंगे मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन वी हैव सुधर जाओ ये एक बड़ा कॉमन फ्रेज है घर में तो कई बार सुनने को मिलता है है ना क्योंकि हम सुधरते ही तो नहीं है बाकी सारी चीजें तो ठीक है सुधर नहीं रहे हैं लोग तो उसको अंग्रेजी में कैसे कह सकते हैं आपको सीधा बोलना है वेज डोवेज मैं वेज अपनी आदतें सुधारो खुद को सुधारो अपने तरीके सुधारो अंग्रेजी में आप कहते हैं मैं डोवेज ठीक है नेक्स्ट देखते हैं यहां पर अच्छा आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए क्विक रिमाइंडर है गाइज कि आपका बैच आ गया है स्किलिंग स्किलिंग का ये तीसरा बैच है इस बैच में आपको स्पोकन इंग्लिश बॉडी लैंग्वेज कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन लगभग आपको सत्तर क्लासेस मिलती हैं लाइव ये बैच शुरू होने वाला है ट्वेंटी सेकेंड अप्रैल से ट्वेंटी सेकेंड अप्रैल ये बैच में लाइव जुड़ने के लिए आपको विजिट करना होगा ओके okay, मैं कह रही थी स्किलिंग पे आपको विजिट करना होगा स्टडी आई क्यू डॉट कॉम पर ठीक है स्टडी आई क्यू डॉट कॉम पर जाकर के जब आप स्किलिंग सर्च करेंगे तो वहां पर आपको यह बैच मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए अपना कोड umlive लाइव यूज कर लीजिएगा इससे आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट फाइनल प्राइस इज अराउंड नाइन हंड्रेड नाइन रुपीज ठीक है नेक्स्ट फ्रेजेस देखते हैं थोड़े से यहां पर पर्दा कर दो या फिर पर्दा खींच दो राइट इन हिंदी जब भी हमें किसी को खिड़की पे पर्दा लगाने को दरवाजे पे पर्दा लगाने को कहना होता है तो हम यही कहते हैं पर्दा खींच दो पर्दा लगा दो तो आप अंग्रेजी में उसी चीज को बोल सकते हैं ड्रॉ द कर ड्रॉ द करटन ठीक है ड्रॉइंग द कर्टन का मतलब होता है पर्दा खींचना नेक्स्ट देखते हैं हमारा फ्रेज उसे शहर घुमा दो तुम्हारा कजन घर आता है तुम्हारे दोस्त आते हैं कोई भी रिलेटिव आता है तो घर वाले कहते हैं ना कि यार उसे शहर दिखा दो शहर घुमा दो यहां पे जो भी अच्छी चीजें हैं वहां घुमा दो तो आप अंग्रेजी में उसी चीज के लिए कह सकते हैं टेक हिम राउंड द सिटी टेक हिम और टेक हर जो है अगर लड़का है तो हिम लड़की है तो हर टेक हिम राउंड द सिटी टेक हर राउंड द सिटी नेक्स्ट देखते हैं मेहमान को अंदर ले आओ मेहमान को अंदर ले आओ अभी कोई गेट पे खड़े के बात कर रहा है तो घर से आवाज आती है अरे अंदर लेके आ जाओ उन्हें सिंपल है यहां पर बिल्कुल ब्रिंग द गेस्ट इन ब्रिंग द गेस्ट इन भी करेक्ट है और अगर आप इन साइड भी बोलना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल सही है मेहमान को अंदर ले आइए ब्रिंग द गेस्ट इन साइड नेक्स्ट देखते हैं सबके साथ तमीज से बोलो राइट right? तो यहां पर अब सबके साथ के लिए हमने क्या लगा दिया ऑल लगा दिया या फिर एवरीबॉडी लगा दिया बी पोलाइट टू ऑल सबके साथ तमीज से रहो विनम्रता से रहो या फिर स्पीक पोलाइटली विद एवरीबॉडी ठीक है नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं ये बात मुझे समय से याद दिला देना अब याद दिलाना के लिए लोग अक्सर रिमेंबर वर्ड यूज करते हैं लेकिन रिमेंबर का अलग अर्थ होता है रिमेंबर का मतलब होता है खुद ब खुद याद करना या याद आ जाना ठीक है लेकिन जब कोई और तुम्हें याद दिलाता है तो वहां पर वर्ड यूज होता है रिमाइंड रिमाइंड मी ऑफ इट यह बात मुझे समय से याद दिला देना समय से के लिए हमने कहा है इन टाइम और याद दिला देना के लिए हमने कहा है रिमाइंड और ये बात के लिए हमने कहा है इट सो रिमाइंड मी ऑफ इट इन टाइम मुझे समय से इसके बारे में याद दिला देना नेक्स्ट फ्रेज है मुझे कल इसकी याद दिला देना अगेन याद दिला देना के लिए फिर से हम क्या यूज करेंगे रिमाइंड रिमाइंड मी अबाउट इट टुमारो मुझे कल इसके बारे में इस बारे में याद दिला देना सो रिमाइंड मी ऑफ इट या रिमाइंड मी अबाउट इट टुमारो नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है सब बंदोबस्त करके रखना सब तैयारी करके रखना सारी तैयारी करके रखना इससे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं और कल की क्लास में आना मत भूलिएगा हमारी जो कल की क्लास होगी उसमें मैं आपको सिखाऊंगी कुछ फ्रेजेस जो कि आप यूज कर सकते हैं व्हेन यू वांट टू बी पोलाइट इन इंग्लिश जब आप पोलाइटली बात करना चाहते हैं अंग्रेजी में तो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हम सीखेंगे आपके साथ इसी चैनल पर स्टडी आई स्किल्स पर ठीक है अब आपको याद रखना है गाइज ये आपका बैच है स्किलिंग जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्वेंटी फोर्थ सॉरी ट्वेंटी सेकेंड ऑफ अप्रैल से ट्वेंटी सेकेंड अप्रैल को इसकी क्लास साढ़े चार बजे होगी लाइव लेकिन देर मत करना रिकॉर्डेड के दम पे मत बैठे रहना अच्छा होगा अगर आप पहली क्लास ही लाइव से शुरू करेंगे एंड इस बैच के अंदर हम आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बॉडी लैंग्वेज टिप्स एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के अलग अलग मॉड्यूल्स प्रोवाइड कराते हैं एक घंटे की क्लास होती है लाइव मंडे टू फ्राइडे साढ़े चार से साढ़े पांच बजे बैच में एडमिशन लेकर के अगर आपको रखना है तो आप अभी से कर सकते हैं और कैसे एडमिशन लेंगे आपको विजिट करना है स्टडी ठीक है स्टडी पर जाइए सर्च बॉक्स में बस लिख दीजिए स्किलिंग स्किलिंग बैच आप सर्च करेंगे आपको सबसे फ्रेशमनेल देख लेना ठीक है और पुराने भी बैचेस हैं तो अभी उसमें एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से चलते आ रहे हैं तो आप ये नए बैच में एडमिशन ले सकते हैं और इसके लिए कोड याद रखिए यूएम लाइव इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा एंथनी सरकार एंड के एम एल वेरी गुड जॉब रियली ग्रेट आंसर बाकी लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो होमवर्क क्वेश्चन का आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं uh, क्लास में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा टुमारो अगेन आई सी यू एट थ्री थर्टी पी एम डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मी लाइव डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो गॉड ब्लेस यू एवरी वन सी यू टुमारो बाय स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल